नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। देश में अलग अलग तरह की चीजें हो रही हैं, लेकिन कोरोना वायरस की जो गाड़ी है वो लगातार आगे ही बढ़ती जा रही है, रुकने का नाम नहीं ले रही है। फिर से बिहार में कोरोना के मरीज बड़ी संख्या में मिले हैं, जिन्होंने कोरोना के कुल मामले को फिर से बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट ने दिन का जो अपडेट है वो जारी कर दिया है। ये बताया गया है कि 2701 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं 4 अगस्त की जांच रिपोर्ट के बाद, जिसके बाद अब आंकड़ा 64,732 हो गया है। कोरोना का आंकड़ा बिहार में लगातार बढ़ता ही जा रहा है। अब यह आंकड़ा 64,000 के भी पार जा चुका है। 64,732 मामले अब तक बिहार के सभी जिले से सामने आ चुके हैं। 2701 नए मरीज बीते 24 घंटे में पाए गए हैं। हम आपको बताते हैं कि किन किन जिले से ये सभी मरीज हैं। अररिया जिले से 33 पॉजिटिव मरीज, अरवल जिले से 28, औरंगाबाद से 42, बांका जिले के 20 पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं, बेगूसराय जिले से 84 नए मामले सामने आए, भागलपुर जिले से 99 मरीज, भोजपुर से 90, बक्सर से 41, दरभंगा से 49 नए मामले आए, पूर्वी चंपारण जिले से 103 कोरोना के मरीज पाए गए, गया से 76 मामले आए, गोपालगंज से 30, जमुई से 29 नए मामले आए, जहानाबाद से 85 नए केसेस सामने आए, झारखंड के 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनका जो सैंपल है वो मुजफ्फरपुर में कलेक्ट किया गया था, इसलिए इस सूची में उनका भी नाम है। कैमूर जिले की बात करें तो 14 नए मामले आए, कटिहार जिले से 196 नए मामले सामने आ चुके हैं, खगड़िया जिले से 23 मामले आए, किशनगंज से 37 नए कोरोना के मामले आए, एक व्यक्ति कोडरमा का पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दें कि कोडरमा झारखंड में है, इसका भी सैंपल पटना में कलेक्ट हुआ था, इसलिए इस सूची में इस व्यक्ति का नाम दर्ज है। लखीसराय जिले से 6 पॉजिटिव मरीज सामने आए, मधेपुरा से 35, मधुबनी जिले से 90, मुंगेर से 64 नए मामले, मुजफ्फरपुर से 90 नए पॉजिटिव मरीज पाए गए, नालंदा से 76 मामले, नवादा से 21, पटना जिले से 478। पटना लगातार कोरोना के मामले में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा है। बीते 24 घंटे में 478 नए मामले आए। पूर्णिया की बात करें तो 65 नए मामले, रोहतास से 66, सहरसा जिले से 35, समस्तीपुर से 72, सारण से 164 मामले, शेखपुरा जिले से 38, शिवहर से 12, सीतामढ़ी से 40, सिवान जिले से 48 नए मामले, सुपौल से 63 नए केसेस सामने आए, वैशाली जिले की बात करें तो 104 नए कोरोना के मरीज पाए गए, वहीं पश्चिमी चंपारण जिले से 52 नए केसेस सामने आ चुके हैं। कुल मिलाकर 2701 नए पॉजिटिव मरीज कोरोना वायरस के पाए गए, जो बिहार के 48 जिले से हैं। तो 2700 से ज़्यादा पॉजिटिव मामले सामने आए हैं बीते 24 घंटे में। अब बिहार में कोरोना के संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 64,000 के भी पार जा चुका है। लगातार ये जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए आप अपना ख्याल रखें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, लाइव सिटीज़ के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।